शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापना के लिए 46 मिनट है बेहद खास। जाने अष्टमी नवमी तिथि कब है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है, कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अष्टमी नवमी व दशमी तिथि कब है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार साल भर में कुल चार बार नवरात्रि आती हैं, दो प्रत्यक्ष व दो गुप्त नवरात्रि। शारदीय व चैत्र नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती हैं। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना करना शुभ होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और अष्टमी नवमी व दशहरा कब है। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू, साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, अश्विन नवरात्रि में घट स्थापना 15 अक्टूबर रविवार को की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47। कुल अवधि 2 घंटा 17 मिनट। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 46 मिनट की होगी। शारदीय नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 2023। शारदीय नवरात्रि 2023 इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी का पूजन होता है। अश्विन शुक्ल अष्टमी प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर रात्रि 9:53 पर। अश्विन शुक्ल अष्टमी समाप्त होगी 22 अक्टूबर सायंकाल 7:58 पर। शारदीय नवरात्रि दुर्गा नवमी 2023। शारदीय नवरात्रि की इस बार नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार को है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। अश्विन मास की नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 22 अक्टूबर सायंकाल 7:58 पर। नवमी तिथि का समापन होगा 23 अक्टूबर सायंकाल 5:44 पर। दशमी तिथि पर दशहरा शुभ मुहूर्त, साल 2023 में दशमी तिथि और दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि शुरू होगी 23 अक्टूबर सायंकाल 5:44 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर सायंकाल 3:14 पर। विजय मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43। अपराह्न काल पूजा का समय होगा दोपहर 1:13 से सायंकाल 3:28। रावण दहन का समय होगा 24 अक्टूबर शाम 5:43। कलश स्थापना विधि, नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। पहले दिन कलश स्थापना कर माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर कलश घट स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा कलश रखकर रोली से उस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध कर उसे मिट्टी के पात्र के ऊपर रख दें। कलश में रसों के आम के पत्ते लगाएं। कलश में सिक्का, हल्दी व सुपारी डालें। अब एक नारियल फूल लाल कपड़े में लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।